अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शेफ शबनम आज आपके लिए बहुत खास अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में। कैशनेट चिकन एक्सपेंसिव डिश है लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में आज मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। घर में बनाएं, ट्राई करें, भी आपको टेस्ट आएगा, वही लुक आएगी। तो आए बनाना शुरू करते हैं, आपको इंग्रीडियंट नोट करवाते हैं। इसके लिए है चावल लिए हैं मैंने 2 कप, आप अपनी मर्जी से लेने जितनी आपको ज़रूरत है इसकी। ये फ्राइड राइस बनेंगे, ये शिमला मिर्च है, बेल पेपर, ये 3 कलर में मैंने ली है। आपके पास अगर 3 कलर में नहीं है तो आप ग्रीन ही ले लें। ये येलो है, ग्रीन है, ये रेड है, ये 3 कलर में बेल पेपर ही है। ये कैरेट है, गाजर, ये अनियन है, ये हरी प्याज है, इसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट लैदा कर लिया, वाइट वाला लैदा है। ये चॉप लहसुन है, गार्लिक रखा हुआ है, बहुत अंडे हैं, ये धनिया थोड़ा सा है, ये हरी मिर्च चॉप है, ये 1 टेबल स्पून जाएंगी, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है, सॉल्ट टू टेस्ट आप अपनी मर्जी से हिसाब से आप डाल सकते हो। ये हो गए चावलों के इंग्रेडिएंट। अब मैं आपको चिकन के करवा रही हूँ। ये चिकन बोनलेस है, क्यूब में कट कर लिया, एक ब्रेस्ट ले लिया था मैंने, ये तकरीबन कोई 1/2 किलो था, 1/2 kg। इसके जो इंग्रेडिएंट, ये शिमला मिर्च है 3 कलर में है, गाजर है, ये जुकनी है जिसको माड़ू भी कहते हैं, ये हाफ लिया है, और ये प्याज है, ये भी क्यूब में कट किया हुआ है, ये केचप है 2 टेबल स्पून है, क्योंकि कैशनट चिकन बनना है तो इसमें कैशनट तो जाहिर है जाएंगे ना। ये गार्निश के लिए मैंने साबुत रखा है, लिया इसको 1 टेबल स्पून है, ये चीनी है 1 टेबल स्पून, इसमें सीर है, ये गार्निश में 1/2 टेबल स्पून डाल लें आप। अब इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को, पहले मैरिनेट करते हैं चिकन को, हमेशा पानी नीचे ही रहने दिया करें, ऊपर से चिकन निकाला करें। ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट कम ही डालें क्योंकि इसमें सॉस वगैरह भी जाने, उसमें भी नमक होता है। ये चिली सॉस 1 टीस्पून है, ये सोया सॉस ये भी 1 टीस्पून है, सिरका वाइट विनेगर ये भी 1 टीस्पून ही है। चिकन को फ्राई करने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, इसमें अंडा पूरा नहीं जाएगा, अंडे की सफेदी जाएगी। तो अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे, ये चिकन फ्राई होगा, अभी ऑयल गर्म करेंगे उसमें ये चिकन फ्राई करेंगे। ये पैन गरम हो गया, ये घी डाला मैंने तकरीबन, ये 1 कप है फ्राई के लिए, ये जितना भी आपने डालना है डालना है इसमें, क्योंकि इसमें चिकन फ्राई होना बाद में, ये हो गया। इसको चेक करने के लिए 1 पीस मैंने डाला है, देखिए ये फ्राई हो रहा है। देखिए चिकन जो मैरिनेट किया हुआ, इसमें अक्सर पानी होता है, ये साइड पर जो निकल आया, एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो साइड पर आ जाएगा फ्राई करने से पहले, इसको साइड पर कर लें, क्योंकि अगर आप इसी तरह ऑयल में डालेंगे जो ये सारा बैटर है ये बिखर जाएगा। ये चाहिए इसी तरह हम इसको उठाएंगे और फ्राई करेंगे। बैटर वाले चिकन को या कोई भी मीट हो उसको फ्राई करते हुए कभी उसमें चम्मच ना चलाएं जब तक के स्टिक ना हो जाए ये बैटर जो ऊपर लगा हुआ है। तो देखें चिकन फ्राई हो गया, ये चिकन को मैंने निकाल दिया इसमें से। अब इसी ऑयल में वेजिटेबल जो कट करके रखी वो फ्राई करें, कैरेट, अनियन, ये बैठ गया, इसको कलर नहीं देना, हल्का आंच बस इसको फ्राई करना, ये देखते बाकी हो गया। ये चिकन के लिए इसकी सॉस तैयार कर रहे हैं, ये केचप 2 टेबल स्पून, ये ब्लैक पेपर, वाइट पेपर है तो वो डाल देने, नहीं तो ब्लैक कर लें, चीनी 1 टेबल स्पून, या 2 टेस्ट भी कर सकते, ये चिली सॉस ये भी 1 टेबल स्पून है, सोया सॉस ये भी 1 टेबल स्पून, वाइट विनेगर ये भी 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड शाही सॉस है
वो सिस्टर सॉस भी इसको कहते हैं। अगर आपके पास है तो ये टेबल स्पून डाल लें, ये 2 टेबल स्पून है। अगर आपके पास नहीं है तो सोया सॉस ही डाल लें, कोई बात नहीं। मैंने जो पेस्ट बना के रखा है काजू का, ये भी इसी सॉस को बारीक पीस दिया मैंने। ये देखें, ये हमारी सॉस तैयार हो गई है। ये रेड चिली पाउडर डालने लगी हूँ मैं, वैसे इसमें रेसिपी में नहीं है, मैक्सिकन है इसलिए इसमें नहीं है। तो ये देखें, ये मैंने इसमें, क्योंकि हम फीका खाना तो खा नहीं सकते, थोड़ा स्पाइसी होगा तो खाया जाएगा। स्पून ऑयल है, गार्लिक है 1 टेबल स्पून, चिली है चॉप की ब्रेक कर, इसको मैंने चॉप कर लिया, ये भी 1 टेबल स्पून है। इसको हल कुछ खराब नहीं हुआ ना, इसमें कोई कलर आया गोल्डन वगैरह या कोई, हल्का सा मेरे पास इसको फ्राई किया। ये नमक अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, फिर सॉस इतनी होती है पता नहीं चलता, ज्यादा हो जाए तो फिर निकालना मुश्किल है, इसमें से काम है तो डाल जाएगा। ये बिल्कुल रेडी हो गया है फ्राइड राइस के लिए। ऑयल डाला मैंने इसमें, चॉप कर ली। ये हरी प्याज से मैंने काट के रखी थी, इसका वाइट वाला पार्ट, हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट गया है और चॉप गार्लिक गया इसमें। इसमें गाजर भी ऐड कर दी मैंने, कैरेट जो चॉप की हुई है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ज़रा हार्ड है इसलिए इसको पहले ऐड कर दिया। ये बेल पेपर, शिमला मिर्च, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बाकी इसको साइड पे कर देंगे। ग्रीन चिली, ये भी चॉप है 1 टेबल स्पून। एक अंडा है और जो एग योक मैंने उसमें से पैदा किया था वो भी इसी में डाल दिया। अब इसी में ये एक साइड पे कर दी वेजिटेबल सारी। ये एग थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये ब्लैक पेपर, नमक इसमें भी सॉस के बाद ऐड करेंगे। सोया सॉस 2 टेबल स्पून है, चिली सॉस 2 टेबल स्पून। देखिए राइस तैयार हो चुके हैं। अब जो स्प्रिंग अनियन मैंने हरा देंगे, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे दम पे, क्योंकि जो सॉसें वगैरह हमने इसमें ऐड की हैं वो सारे स्पाइस में चावलों में रोमा आ जाए। ये देखें अच्छा सा दम आ गया, अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कैश्यू नट चिकन बिल्कुल तैयार है फ्राइड राइस के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसको रेसिपी को ट्राई जरूर करें, अपना फीडबैक दें, लोगों में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।